अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान बसरा। YouTube मैनेजमेंट कोर्स की ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर YouTube पर कामयाब होने के लिए मैं आपको पांच डूज बताऊंगा और पांच डोंट्स बताऊंगा। पांच ऐसे काम हैं जिनको आपने कभी नहीं करना और पांच ऐसे काम हैं जिनको आपने हमेशा करना है। उनके अंदर सबसे पहले नंबर पर हमारी वीडियो की क्वालिटी। वीडियो की क्वालिटी हमेशा आपने हाई रेजोल्यूशन रखनी है, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। अगर आपकी वीडियो को एडिटिंग की ज़रूरत है, फिल्टर वगैरह लगाने की ज़रूरत है, कुछ ट्रिम वगैरह को काट के, मतलब जो आपने अपनी वीडियो बनाई है वो एक शानदार किस्म की वीडियो होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर बात आती है ऑडियो की। ऑडियो आपकी हमेशा एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपका मोबाइल एक अच्छे वॉइस को रिकॉर्ड करता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप हैंड फ्री वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप बोया M1 का माइक जो है वो ले सकते हैं। वो बड़ा ही शानदार किस्म का एक माइक होता है, उसकी आवाज़, उससे आपकी जो वीडियो की आवाज़ होगी ना, ऑडियो जो होगी वो एक शानदार बन जाएगी। और जब कोई बंदा आपकी वीडियो पे आएगा तो वो आपको सब्सक्राइब भी करेगा और आपके चैनल को दूसरे लोगों को बताएगा भी कि ये चीज़ मैंने फलां के चैनल से सीखी है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं थंबनेल की। थंबनेल बनाना क्यों ज़रूरी है? देखें, एक बंदा वीडियो को सर्च करता है तो उसके सामने YouTube बहुत सारी वीडियोस को ओपन करके एक लिस्ट दे देता है। वो लिस्ट में देखता है, टॉप में देखेगा, चेक करेगा कि किसका थंबनेल अच्छा है, कौन जो मुझे चीज़ें बता रहा है। अब देखें, जो थंबनेल वही टाइटल देना है, वही डिस्क्रिप्शन देनी है, वही टैग्स देने हैं जो कुछ यूट्यूब की वीडियो के अंदर बता रहे हो। कभी भी ऐसे नहीं करना कि अंदर कुछ हो, थंबनेल कोई और हो, टैग्स कुछ और हो और टाइटल कुछ और हो। तो ये जो गड़बड़ होता है, जब बंदा आता है, एक व्यूअर आता है, जब आपकी वीडियो को सर्च करके आएगा और जब आपके थंबनेल कुछ और होगा और अंदर वीडियो कुछ और होगी, तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। चौथे नंबर पर बात करें वीडियो की SEO की। SEO करने के लिए हमेशा आप कुछ टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन टूल्स के अंदर अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो आपने वाई टूल के नाम से एक ऐप है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। फिर देखना है कि देखें जिस किस्म की आपकी वीडियो है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पे वीडियो बना रहे हैं, आपने सिंपल जाना है यूट्यूब पर, ऊपर सर्च करना है डिजिटल मार्केटिंग और देखें कि टॉप में कौन सी वीडियो आ रही है, उसका लिंक कॉपी करें और अपने वाई टूल के अंदर पेस्ट करके उसके टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन आप कॉपी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात करें, दो सॉफ्टवेयर और हैं, एक का नाम है VidIQ और एक का नाम है TubeBuddy। इन दोनों सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने वीडियो की SEO कर सकते हैं। ये दोनों पेड हैं, लेकिन आप इनका जो फ्री वाला वर्जन है वो इस्तेमाल करें। फ्री वाले में ये बहुत सारा हमारा काम जो है वो SEO का, वो फ्री वाले में भी हो जाएगा। तो अगर आप इनका पेड वर्जन लें तो ये बहुत ही शानदार किस्म की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पांचवें नंबर पे बात करें कि आपने हमेशा अपने वीडियो के अंदर एक कॉल टू एक्शन देना है, कि आपने हमेशा कहना है कि सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को, एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका जो क्वेश्चन है वो आपने कमेंट में पूछें और फिर उन सारे कमेंट्स को रीड किया करें, उनकी रिप्लाई किया करें। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि ये कमेंट जो है इसको स्पैम में डाल दें और उसका रिप्लाई, हमेशा रिप्लाई करें। जब आप रिप्लाई करेंगे तो आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, एक कनेक्शन बन जाएगा और हो सके तो स्टार्ट के अंदर आप अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे सकते हैं ताकि लोग आपके साथ रब्ता कर सकें और उनके जो उनके वो इंक्वायरीज हों वो आपसे पूछ सकें डायरेक्टली। शुरू में तो इतने व्यूज़ नहीं आएंगे, तो ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक बहुत अच्छा फीचर है और इन फ्यूचर आपको ये यहाँ से जितनी ट्रैफिक आएगी वो आपके बहुत ज़्यादा आपको कामयाब होने के लिए हेल्पफुल करेगी। अब ये तो थी पांच ऐसी चीज़ें जो आपने हमेशा करनी और पांच ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने नहीं करना। उनमें सबसे पहला काम हम क्या करते हैं जी, सिंपली जी, अब हमने जी बना लिया, अब सब वैसे सब ढूंढ लेते हैं जी ग्रुप फेसबुक से और जाते हैं जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूंगा जी, मुझे स्क्रीनशॉट भेजें जी, अच्छा जी मुझे आप बना के भेज, आप मुझे मेरी वीडियो को एक मिनट वॉच करें, कमेंट करें, लाइक करें और मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, ये काम आपने हरगिज़ नहीं करना। दूसरे नंबर पे अक्सर जनाब कहना शुरू कर देते हैं दोस्तों को, जी मेरे करीबी हैं, व्हाट्सएप पे लगा देते हैं मेरे करीबी हैं जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप करें, आप भी करें, आप भी करें। आपने कभी भी अपने दोस्तों को नहीं कहना, देखिए आपका चैनल है जी किस बारे में, मेरा चैनल आप यूट्यूब में सिखा रहा हूँ,
मेरे अब मैं किसी ऐसे बंदे को जिसका यूट्यूब को साथ लेना देना ही नहीं है, जिसने कभी यूट्यूब सीखनी नहीं है, मैं उसको कहूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब तो कर देगा वो, क्या वो मेरी कभी वीडियो देखेगा? वो कभी भी नहीं देखेगा। तो ऐसी ऐसे सब्सक्राइबर को लेकर बैठने का कोई फायदा नहीं है, हमेशा ऑर्गेनिक काम करें। वो बंदा सिर्फ वही सब्सक्राइबर आपका ऐड होना चाहिए जिसको वाकई ही आपके चैनल की नीड हो। अगर आप लोगों की नीड पूरी कर रहे हैं तो फिर आप वही अपनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक रखें। तीसरे नंबर पे अक्सर लोग कहना है जी वॉच टाइम पूरा करना है जी, 4000 घंटे, 1000 सब्सक्राइबर जी, देखना शुरू कर दो, खुद ही खुद देखना शुरू कर देते हैं। जैसे वीडियोस को देखते हैं वो वॉच टाइम इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, वो बड़े खुश हो जाते हैं जी। ये काम आपने हरगिज नहीं करना, ऑर्गेनिक चलें। जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे ऑर्गेनिकली आपके कंप्लीट हो गए, समझ लें आपकी कामयाबी ही कामयाबी, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके अंदर आपको साल भी लग सकता है, इसके अंदर आपको 2 साल भी लग सकते हैं। फेक व्यूज और सब्सक्राइबर अक्सर आजकल कंपनियां बन गई हैं जी, डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है। आप आए जी, हम आपको व्यूज देंगे, हम आपको सब्सक्राइबर, आपके चैनल को मोनेटाइज करवा देंगे। वो जाते हैं जी फेक व्यूज, फेक वीडियोस वो लगवा के मोनेटाइज तो कर देते हैं, अब वो खुद खुद चलता नहीं है चैनल, फिर वो दोबारा डिमोनेटाइज हो जाता है। तो ये काम आपने हरगिज नहीं करना। पांचवें नंबर पे कि वीडियोस बनाना बंद नहीं करनी। कोई बंदा देख रहा है ठीक है, नहीं देख रहा ठीक है, लाइक्स आ रहे हैं ठीक है, कमेंट्स आ रहे हैं ठीक है, नहीं आ रहे तो भी ठीक है। आपने सिर्फ एक काम करना है, अपनी वीडियोस की क्रिएशन बंद नहीं करनी, क्रिएट करते रहना है, करते रहना है, ये सर्कल चलाते रहना है, चलाते रहना है। लेकिन एक दिन आएगा यूट्यूब भी कह देगा कि वाकई ये बंदा जो है मेरे साथ सिंसियर है, डेली एक वीडियो अपलोड करता है, या ये बंदा कभी इसने अपना चैनल को बंद नहीं किया, ये वीडियोस क्रिएट कर रहा है, तो वो भी लोगों को रेकमेंड करना शुरू कर देता है, और सेम ऐसा ही ट्रस्ट आपका जो व्यूवर है उसका बिल्ड होता है। तो इन दोनों के ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको अपनी वीडियोस एक तो रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ रहना है, बंद नहीं करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, आते हैं जी दोस्तों वगैरह को सब्सक्राइब वगैरह करवा के जी, सर 1000 व्यूज हो गए हैं लेकिन वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, कैसे हो? जो आपने सब्सक्राइबर 1000 गेन किए हैं वो कौन सा आपके ऑर्गेनिक है, वो कौन सा आपके वीडियोज देखते हैं? जब वो वीडियोज देखते नहीं है तो आपका वॉच टाइम कैसे कंप्लीट होगा? तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपने डूज और डोंट्स मैंने बताए हैं, ज़रा इन पे गौर करना। अगर आप इनमें वो काम जो आप करते हैं जो नहीं करने चाहिए, प्लीज़ उनसे आप दूर रहें। और बाकी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपकी किसी किस्म की इंक्वायरी हो, आप मेरे साथ एग्री हैं तो एग्री लिखें, आप मेरे साथ डिसएग्री हैं तो वो पॉइंट लिखें जहां आप डिसएग्री हैं, तो ताकि मैं भी उसको उस पर मज़ीद रिसर्च करूँ और मज़ीद उसके उस पर मैं काम करूँ।